हरियाणा के यशस्वी, बहुत ईमानदार, जो कि हरियाणा में पारदर्शिता के पर्यायवाची माने जाते हैं, ऐसे हमारे बहुत ही सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारी हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी युवा जुझारू संघर्षशील और पूरी सिरसा लोकसभा के एकमात्र विधायक हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे भाई सुभाष बराला जी, उनके साथ ही फतेहाबाद जिला को जो बहुत सुचारू रूप से चला रहे हैं पूरे संगठन को, ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष हमारे भाई वेद फूला जी आज मंच पर आप लोगों का परिचित चेहरा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से मेहमान की तरह जो अभी हैं और थोड़ी देर के बाद मेहमान नहीं रहेंगे, ऐसे हमारे भाई बलवान दौलतपुरिया जी जो कि विधायक हैं आपके फतेहाबाद जिला के, फतेहाबाद विधानसभा के, और बहुत ही आदरणीय ग्रीवेंस कमेटी के बड़े दमदार तरीके से जो बैठक लेते हैं और अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देते हैं, ऐसे हमारे भाई सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी जी, बहुत ही सम्मानित, जो कि जनरल के पदवी पर रहे, पेशे से डॉक्टर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, ऐसे हमारे आदरणीय डीपी वत्स जी, उनके साथ ही बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं जो, ऐसे भाई दीपक मंगला जी, हमारे गंगवा जी जो कि नलवा से एमएलए हैं, और इनके साथ साथ हमारे भाई भारत भूषण मिड्डा जी, हमारी बहन स्वतंत्र बाला जी और चेयरमैन डॉक्टर बलवान जी, जांगड़ा जी बैठे हैं वहां पर, वेद जांगड़ा जी, सम्मानित मंच, फतेहाबाद विधानसभा ने पूरी सिरसा लोकसभा में जो डंका बजाया और जिन कार्यकर्ताओं की बदौलत बजाया, मेरे समक्ष उपस्थित बहुत ही मान सम्मान के योग्य है कि आपके लिए मैं जितने सम्मानित शब्द यूज करूं वो उतना कम है, ऐसे मेरे बहुत ही प्यारे कार्यकर्ता बंधुओं, सिरसा लोकसभा जो है वो अब की बार सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं ने ये प्रण ले रखा था, और इसके साथ साथ सभी 18 लाख जो मतदाता हैं हमारे सिरसा के, उन्होंने भी मन में बहुत पहले से ये भाव बना रखा था, क्योंकि हम जब भी कभी आप लोगों के बीच में आए, जब भी कभी गांव गांव में हम गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि सभी मतदाता माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र में जो उन्होंने काम किए उनकी नीतियों से बहुत प्रभावित थे, जहां कहीं पर भी हम जाते एक ही बात कहते कि आपकी बार कमल का फूल है ना बहन जी, मैं कहा भैया आपकी बात चिंता ना करो, पिछली बार गड़बड़ होगी कोई बात नहीं, आप लोग ट्रैक्टर पे नहीं चढ़े, लेकिन आपकी बार बिल्कुल कमल का फूल है, और उन्होंने कहा कि कमल का फूल का बटन दबाने से प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना नरेंद्र मोदी जी, मैंने कहा बिल्कुल बन जाएंगे, सबके मन में एक ही भाव था कि हम अब की बार सीधा अपने बटन से प्रधानमंत्री बना रहे हैं, और जहां कहीं पर भी हम गांव में गए हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की जो नीतियां हैं, जो भी काम उन्होंने बिना किसी भेदभाव के
हर विधानसभा में करके दिखाए, तो उन सब से लोग इतना प्रभावित थे, हम उनसे पूछते जाते थे और वो हां भरते रहते थे। हम कहते कि आपके इलाके में ये काम हुआ, वो कहते जी बिल्कुल हुआ, सब कामों की वो हां भरते। फिर हम उनसे पूछते कि आपने सिरसा से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाया, वो कहते जी ईब के बनावांगे जी, और ईब के बना के दिखा दिया उन लोगों ने। हम कहते आप लोगों ने यहां से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाया, कहते जी ईब के बनावांगे जी, और अब की बार मुझे उम्मीद है कि ईब के विधायक भी हर जगह पे पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि ये ताकत एक अकेले इंसान में नहीं होती, कोई एक अकेला इंसान नेता नहीं होता, नेता आप लोग बनाते हो, आप लोगों के बीच में से ही हम लोग हैं। तो इसलिए अगर कहीं कोई ताकत है तो वो हमारे कार्यकर्ता बंधुओं की है और हमारे मतदाताओं की है। पूरी सिरसा लोकसभा में पूरे हरियाणा का सबसे ज्यादा मतदान हुआ, 75% मतदान अगर कहीं हुआ तो वो सिरसा लोकसभा के अंदर हुआ। इतनी जबरदस्त तरीके से भागीदारी हमारे सभी भाइयों ने, और मैं बहुत ज्यादा नतमस्तक हूं हमारी बहनों के लिए, इन्होंने रिकॉर्ड मतदान किया हमारे सिरसा लोकसभा के अंदर, हमारी माताओं बहनों ने, और उसी की बदौलत आज आप लोगों ने, आप लोगों के बीच में से ही एक इस छोटी सी कार्यकर्ता को, अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम किया। मैं तहे दिल से अपनी अंतरात्मा से आप लोगों को नमन करती हूं। शाम का समय है, परमात्मा को साक्षी मानकर आप सब लोगों को नमन करती हूं, और ये उम्मीद करती हूं कि जिस तरह का जोश, जिस तरह का उत्साह आप लोगों ने लोकसभा के अंदर दिखाया, वैसा ही उत्साह, वैसा ही जोश, वैसा ही जुनून आप लोग विधानसभा में भी दिखाओगे। क्योंकि जिस तरह से हमें ऊपर नरेंद्र मोदी जी चाहिए थे, नीचे हमें मनोहर लाल जी चाहिए हैं। तो जिस तरह से आप लोगों ने एक एक सांसद नहीं चुना था, आपने प्रधानमंत्री चुना था, और उसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आगे आप विधायक नहीं चुनोगे, आप मुख्यमंत्री का चुनाव करोगे। तो मैं आज सब हमारे कार्यकर्ता यहां पर बंधु मौजूद हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके बहुत मेहनत के साथ पन्ना प्रमुख तक की जिम्मेवारी को बहुत ईमानदारी के साथ निभाते हुए लोकसभा चुनाव के अंदर एक पर्व की भांति, जिस तरह की हम त्योहार मनाते हैं वो महापर्व महोत्सव की तरह, लोकसभा का चुनाव आप लोगों ने जो मनाया उसके लिए आप सब लोग बहुत 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 बधाई के पात्र हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूं कि जो विश्वास आप लोगों ने मुझ पे व्यक्त किया है, उस विश्वास पे मैं खरा उतरूं। इस बात के लिए मैं आप लोगों को शाम के समय परमात्मा को साक्षी मानकर मैं आप लोगों को वचन देती हूं कि मैं अपने उसूलों से कभी भी विचलित नहीं होऊंगी, और आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। क्योंकि हम सब का एक ही नारा है, किस तरह से हम अपने इलाके से नशे को मुक्त करें, किस तरह से हम अपने इलाके को विकास के रास्ते पर लेकर जाएं, और किस तरह से अपने इलाके में भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर दें। यहां कहीं कोई भी भ्रष्टाचारी आपको नजर आ जाए तो आप लोग बेहिचक होकर अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को बता सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सीएम विंडो लगाई रखी है, और आप लोग जब भी अपनी कोई शिकायत वहां दर्ज करवाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और उसकी पैरवी भी करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाती हूं कि आप सब लोग, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बड़ी पंचायत में आप लोगों की आवाज को आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी उठाएगी, हर तरह से उठाएगी और बड़ी बुलंद आवाज करके उठाएगी। तो मैं एक बार फिर से हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का
जो कि यहाँ पर कितनी देर से बैठे इंतजार कर रहे हैं, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाती हूँ कि ये सभी कार्यकर्ता बंधु बहुत मेहनती और दिन रात एक करने वाले हैं। जिस तरह की मेहनत इन लोगों ने लोकसभा में की है, आने वाले समय भी ऐसा ही मेहनत के साथ काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने जो मेरा मान सम्मान किया, आप लोगों का आज धन्यवाद करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी फतेह।